बिहार में जहरीली शराब से 50 से अधिक मौत पर हाहाकार मचा हुआ है। सदन में शराबबंदी पर लगातार सियासी शोर जारी। इसी बीच नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि शराब पीकर मरने वाले लोगों से उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। नीतीश यही नहीं रुके, उन्होंने शराब से हो रही मौतों को लेकर गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी सवाल उठाए। दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। दरअसल पिछले 4 दिनों में छपरा और सीवान में जहरीली शराब ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लिहाजा बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश से एक बार फिर इस्तीफे की मांग दोहराई है। अभी तक इनका 6 साल में केवल 23 लोग मरे, ये बिहार सरकार आंकड़ा बता रही है, तो आंकड़ों को छिपाने से मौत छिप नहीं सकती है। तो मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शराब पर सियासत भले ही हो लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में सवाल कायम है कि इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है। और अब देश के बाद देखते हैं विदेश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुले मंच से बेनकाब कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से दक्षिण एशिया, खासकर भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवाद के मुद्दे पर सवाल किया, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। यू आर आस्किंग द रॉन्ग मिनिस्टर व्हेन यू से हाउ लॉन्ग विल वी डू दिस, बिकॉज इट इज द मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान हु विल टेल यू हाउ लॉन्ग पाकिस्तान इंटेंड्स टू प्रैक्टिस टेररिज्म। इसके पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावर जरदारी भुट्टो ने बौखलाहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी पर निजी हमला करते हुए ने भारत का नहीं बल्कि आरएसएस का प्रधानमंत्री कहा था। एंटरिंग दिस कंट्री इंटिल ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द आरएसएस एंड द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द आरएसएस। संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो के बयान पर पाकिस्तान को सीधी भाषा में जवाब दिया था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने हमेशा की तरह फिर से कश्मीर के बहाने भारत को घेरने की कोशिश की थी, जो नाकाम होने पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी पर निजी हमला शुरू कर दिया था। शाहरुख खान के फिल्म पठान के खिलाफ अब यूपी में मुहिम तेज हो रही है। आगरा से लेकर वाराणसी तक कई शहरों में फिल्म का विरोध होने लगा। पठान फिल्म में भगवा रंग को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए वाराणसी में साधु संतों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और फिल्म में भगवा रंग को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शाहरुख और दीपिका पादुकोण की फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। अब विरोध होना चाहिए, विरोध हम लोग कर रहे हैं, विरोध करेंगे और जहाँ तक हो इस फिल्मों को प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, रोक लगना चाहिए। वाराणसी के अलावा आगरा में भी पठान फिल्म का विरोध हुआ। शहर के एक मल्टीप्लेक्स के बाहर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के विरोध में जमकर हंगामा किया। हिंदू महासभा के हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सिनेमा घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया कि किसी भी हाल में आगरा में फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी। अंग बस्तर केसरिया या हरे कपड़े से अगर वो छुपाती तो हिंदू महासभा इसका स्वागत करता। आज यहाँ जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है और नोटिस भी चस्पा करके चेतावनी दी गई है कि फिल्म किसी भी हाल में रिलीज नहीं होने दी जाएगी। वहीं कानपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई जिसके चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। फजलगंज इलाके के गड़रियन पुरवा में साइकिल की गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। फैक्ट्री में फंसे मजदूरों ने बहुत प्रयास किया लेकिन 3 मजदूर अपने आप को आग से नहीं बचा सके और उनकी जलकर झुलस कर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। फैक्ट्री में भीषण आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। 14 लोग थे। बताया जा रहा है कि गद्दी के फूम का सामान होने के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने फैक्ट्री में फंसे 11 मजदूरों को रेस्क्यू कर बचाया लेकिन 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान 11 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। सवाल है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में आग से बचाव के लिए इंतजाम क्यों नहीं थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।